फ्रेंड्स, मरुटो सिंह जी यूट्यूब के माध्यम से एक क्वेश्चन और आया। अजीत सिंह जी है यूजर आईडी, इन्होंने पूछा है कि सर मुझे एक भुगंदर जैसा कोई समस्या है, इसकी बाहर की ओपनिंग नहीं है, केवल इंटरनल ओपनिंग है, अंदर से पस आता है, बाहर से कोई पस नहीं आता और थोड़ा बहुत पेन होता है बाहर, तो इसमें क्या करूँ, हेल्प इन्होंने मांगी है। तो फिशुला जो होता है, हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस फिशुला बना रखे हैं। फिशुला जो होता है हमारे पास, वो दो प्रकार का फिशुला होता है। एक फिशुला होता है, दो क्या तीन प्रकार का। एक फिशुला होता है जिसे हम कंप्लीट फिशुला कहते हैं, जिसमें इंटरनल ओपनिंग भी होगी और एक्सटर्नल ओपनिंग होगी। जैसे मैं आपको एक पिक्चर से समझाने की कोशिश करूंगा, वो आप समझिएगा। पहले तो डेफिनेशन ऑफ फिशुला अगर हम देखें, व्हाट इज द फिशुला। फिशुला इज द एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सर्फेस, यानी दो एपिथेलियल सर्फेस के बीच में एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होगा जिसे हम फिशुला कहेंगे। इसमें जो इसकी इनर लाइनिंग ऑफ फिशुला ट्रैक होता है, उसमें बहुत सारे अनहेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू होते हैं, फॉरेन पार्टिकल होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉट हीलिंग द फिशुला ट्रैक। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फिशुला को अपने आप ठीक होने नहीं देते हैं। तो फिशुला तीन प्रकार के होते हैं। पहले हम इस पिक्चर से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये एक एनोरेक्टल हमने पिक्चर पहले से बना रखी है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा पेरिनियल स्किन है, ये हमारी एनल कैनाल है। एनल कैनाल से पेरिनियल स्किन के बीच में एक कम्युनिकेशन हो गया, इसे हम बोलेंगे कंप्लीट फिशुला। यानी आप देख रहे हैं कि इसकी दो एपिथेलियल सरफेस पर ओपनिंग है, एक एनल कैनाल की म्यूकोसा मेम्ब्रेन पे है और एक आप देखें यहाँ पे आपका पेरिनियल स्किन पे है। तो ये कंप्लीट फिशुला हो गया। एक होता है इनकम्प्लीट फिशुला, यानी एक ऐसा फिशुला होगा जिसकी एक्सटर्नल ओपनिंग तो होगी लेकिन इंटरनल ओपनिंग नहीं होगी। तो एक इस तरह भी फिशुला होता है, इसे ब्लाइंड फिशुला हम कहते हैं, या इसी को हम साइनस भी बोलते हैं। एक फिशुला और होता है जिसमें इंटरनल ओपनिंग तो होगी आपकी लेकिन एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होगी। इंटरनल ओपनिंग होगी, एक्सटर्नल ओपनिंग ब्लॉक होगी। तो ये हो गया ब्लाइंड फिशुला विथ इंटरनल ओपनिंग, ये हो गया ब्लाइंड फिशुला विथ एक्सटर्नल ओपनिंग। तो आपने जो डॉक्टर अजीत जी ने क्वेश्चन पूछा है वो है ब्लाइंड फिशुला विथ इंटरनल ओपनिंग, यानी जो फिशुला ट्रैक है उसमें पस का कलेक्शन होता है। जब ये पस पूरे फिशुला ट्रैक में भर जाता है तो आपके अंदर वाले ट्रैक से ये बाहर निकलता है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसमें जो ब्लाइंड फिशुला होता है या कोई भी फिशुला हो बेटा, ये दवा से खाने से 99% ये ठीक नहीं होता है। इसमें सर्जिकल इंटरप्रिटेशन किया जाता है इसमें, यानी आपको सर्जरी के लिए हो सकता है जाना पड़े। लेकिन सर्जरी कराने से पहले आप किसी एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर को दिखाइए पहले, क्योंकि फिशुला जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 फिशुला होता है। हाई एनल और लो एनल फिशुला भी होते हैं। तो इसमें सबसे जो पहली जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है वो होती है पररेक्टल एग्जामिनेशन, यानी डॉक्टर के द्वारा जो किया गया एग्जामिनेशन होगा वो एक तरह से वो जब आपके मलद्वार में फिंगर डाल के चेक करेंगे तो उसके उनको इंटरनल ओपनिंग फील होगी। उसके बाद डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप इसमें एक MRI फिशुलोग्राम आप प्लान कर लीजिए, क्योंकि MRI फिशुलोग्राम फॉर द डिटेक्शन ऑफ द फिशुला ट्रैक या उसकी जो एनाटॉमिकल पोजिशन होती है उसको जानने के लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। MRI फिशुलोग्राम के अलावा जितने भी फिशुलोग्राम मतलब फिशुला के लिए रिपोर्टिंग की जाती है वो उतना ऑथेंटिक नहीं होती है, उतना अच्छे से फिशुला ट्रैक के बारे में नहीं बता पाते हैं। MRI फिशुलोग्राम से क्या फायदा होता है, हमें उसके जो मान लेते हैं कि ये उसका इंटरनल स्फिंक्टर है, जो उसके इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं उसके बारे में बता देता है, जो उसका एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है उसके बारे में बता देता है, इंटरनल ओपनिंग कहाँ पर है, कितना दूर पर है एनल वर से उसके बारे में बता देता है। ये हाई एनल फिशुला का एग्जाम्पल है, लो एनल फिशुला का एग्जाम्पल है उसको भी बता देता है। अगर मान लेते हैं कोई रेमिफिकेशन है, मान लेते हैं इस फिशुला ट्रैक में कोई और नया ट्रैक अंदर अंदर बन रहा था डीप सीटेड टिश्यू में, जो कि फिंगर से कई बार नहीं पकड़ में आता है, तो उससे भी आपको MRI फिशुलोग्राम बता देता है। तो MRI फिशुलोग्राम इज द बेस्ट वे फॉर द कंप्लीट या कंफर्मेशन डायग्नोसिस ऑफ फिशुला। तो अपने किसी एनोरेक्टल सर्जन से मिलिए बेटा, इसके बारे में पहले पूर्ण जानकारी प्राप्त करिए, इसके बाद जो रिपोर्ट में लिख के आए उसके हिसाब से इसका जो है जो भी सर्जिकल मैनेजमेंट होता है उसको करा लीजिए। ये ठीक होने वाली बीमारी है, पूर्ण रूप से आसानी से ठीक हो जाती है, बस सही डॉक्टर और सही इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। थैंक यू।